बुरे बिहेवियर्स को टॉलरेट करने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स लूज़ करने का बहुत डर होता है, तो इस वजह से भी जो है हम बहुत ज़्यादा जो है दूसरों के गलत रवैयों को टॉलरेट करते हैं, और हम लोगों के माइंड में एक ये इमेज होती है कि जी हमने सबको प्लीज़ करना है। तो हमें ये चीज़ अपने आप को समझाने की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर हम कभी किसी ऐसे इंसान को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, हम उसका बुरा बिहेवियर टॉलरेट कर ही जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम रिलेशनशिप लूज़ नहीं करना चाहते, तो अगर वाकई वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वर्थ इट है और उस बंदे के लिए भी तो दिल में इतनी चाहत होनी चाहिए और उसकी ज़िंदगी में भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जितनी आपकी ज़िंदगी में है, और अगर वाकई उस बंदे की ज़िंदगी में भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी ज़िंदगी में है, तो अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है आप उसको बताएंगे तो वो उस चीज़ से आपका रिलेशनशिप बैडली अफेक्ट नहीं होगा, वो इवेंचुअली आपके लिए समझेगा और आपकी अकॉर्डिंग टर्न करेगा और आपके लिए जो चीज़ें हर्ट कर रही हैं आपको उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक डर है हमारे अंदर कि हम इस चीज़ पर रिएक्शन नहीं देते कि हमारा रिलेशनशिप ना लूज हो जाए, तो हमें ये चीज भी निकालने की जरूरत है। ऐसे रिलेशनशिप लेना जरूरी है। ऐसे रिलेशनशिप जिनको आप फोर्स कर रहे हो डर के जी रहे हो, तो मेरे ख्याल है वो रिलेशनशिप को इतना हेल्दी रिलेशनशिप है भी नहीं। वैसे वर्थ भी नहीं सिखाया ना, जैसे नाइस होने की बात हम करते हैं तो सम टाइम हम इस वजह से भी सारी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि माहौल ख़राब। लेकिन आप देखें कि आप ही दूसरों को फिर सिखा देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, बस जब भी ख़राबी होती है आपके नाइस बनने से फिर जिम्मेदारी भी आप पर डाल दी जाती है कि आपकी वजह से ये है।